This video is sponsored by Gorakh Hill Resorts. तो जनाब पिछले 10 दिन का ट्रैवल करके लाहौर से निकल के मुल्तान, चोलिस्तान, ढहरकी, सखर और खैरपुर से होता हुआ पहुंच गया था मैं दादू शहर में। और आज का प्लान ये है कि दादू से निकलना और वाहीबंदी से होते हुए सिंध की सबसे ठंडी और मेरी फेवरेट जगह पे पहुंचना, यानी गोरख हिल स्टेशन पे। लो जी निकलने लगे, अब हम दादू के ये गेट है बाबे शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अच्छा मज़े की बात है, सिंधी में रानी जो नून है उसके ऊपर टे लिखा होता है, यानी अगर आप उर्दू के सेंस में पढ़ें इसको तो आपको लगेगा शहीद राठी लिखा हुआ है, राठी जबकि रानी है। यार इधर से कंफर्म कर लें। अद्दा साईं शाह आला साईं, अपना गोरख हिल स्टेशन सीधा रोड। अगर मैंने सिंधी में बोलना हो कि मैंने गोरख हिल जाना है, सिंधी में कैसे बोलेंगे? सिंधी में क्या कहते हैं जाने को, क्या कहते हैं? हाँ वेंदे हैं, वेंदे हैं, हाँ हेते हेते वेंदे हैं, हेते मतलब इधर, इधर। और मैं अगर मैंने कहना कि यार मैं गोरख हिल जाना है तो मैं कहूँगा गोरख हिल वेंदे हैं, वेंदे हैं मंजनो मंजो। यार सिखाओ ना, सिंधी सीख रहा हूँ। सिंधी हाँ, सिंधी गोरख मंजनो गोरख बंजड़ो हाँ, बंजड़ों का मतलब मैं जा रहा हूँ। लो जी एक और लफ्ज़ सीख लिया मैंने, माँ गोरख बंजड़ो हाँ, गोरख बन जा दो माँ गोरख बन जा दो, यही कहना है मैंने, माँ गोरख बन जा दो। ठीक है, हाँ हिमा दादू मैं बिठू हाँ, ही मैं दादू में बिठू हाँ, माँ गोरख बन जा दो वन्या दो माँ गोर है चाह पिता चाह पी ली। चाह पी ली का क्या होगा? नहीं नहीं, अगर मैंने कहा मैंने पी ली हुई है इसको क्या कहूँगा सिंधी में? माँ पीतिया माँ चाह पीतिया। चलो सही है, मेहरबानी सही। कितना है लाहौर? गाड़ी थे हाँ, गाड़ी थे मोटरसाइकिल थे। ये नहीं समझ आया। नहीं उधर कहाँ से कब निकला था? उधर 10 दिन पहले लाहौर से इधर अभी पहुँचा है। हाँ माँ गोरख हिल बन जाए तो। चलो जी चलते हैं जनाब। तो आपने अगर कहीं पे जाना है और कहना है कि जी मैं कहीं पे किसी पॉइंट पे जा रहा हूँ तो आपने कैसे कहना है? माँ गोरख हिल बन जाए तो। तकरीबन ये 5-10 मिनट के बाद जो है ये छोटे छोटे जो हैं ऐसे गांव आते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी कहीं पे बाइक शायद ख़राब हो जाए या कोई आपको ज़रूरत हो लोगों की सपोर्ट की तो ये आपको 5-10 मिनट बाद ऐसे गांव नज़र आ जाते हैं। सही वाहीबंदी कितना दूर है? वाहीबंदी कितना दूर है? किलोमीटर हो बस। अच्छा गुड हो गया। सर्दी लग रही है तो मैंने कहा एक और शर्ट जो है ना हम नीचे पहन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अद्दा। वालेकुम अस्सलाम। खैर है? खैर साईं। अमना साईं है, बताओ कि वाहीबंदी आ गया? ये वाहीबंदी है और ये लेके जाते हो आप जीपें ऊपर लेके जाते हो? कितने का एक जीप? 3500 एक साइड का। वापस भी लेके आते हो?
चलते हैं जनाब भाई पंदी से, हमने जाना है गोरख हिल की तरफ, जो कि रास्ता है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का। गूगल मैप बता रहा है कि मुझे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं लूँगा तकरीबन 3 से 3.5 घंटे, बिकॉज हमको बनानी होती है वीडियोस। ये है जनाब भाई पंदी का गांव। यहाँ से आपने अगर कुछ लेना हो, छोटे छोटे से ढाबे, किराना स्टोर और चाय शाय फल छल यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जनाब चलते हैं गोरख हिल की तरफ। फिर जनाब थोड़ी सी ख़राब आ गई है, वही जो पत्थर डाल के मट्टी वगैरह डली हुई है, जिसके ऊपर समझने भी कारपेट डलना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि पहाड़ आ गए हमारे करीब। हाय हाय 10 दिन लग गए मुझे इन पहाड़ों से मिलने में, कहाँ थे तुम मेरे पहाड़ों। पूरी रोड पे मैं अकेला हूँ। हाय हाय हाय, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है। और भाई जान जा रहे हैं अकेले गोरख हिल की तरफ। रोड जो है वो दरमियान में कभी अच्छा सा कारपेट आ रहा है, कभी ये पत्थर वाली रोड आ रही है, बट नॉट दैट बैड। आराम से आप सुकून से जाते जा रहे हैं। हाय, अब तो लग ही नहीं रहा कि बंदा जो है ना सिंध में आ गया है। पिछले 10 दिन से इतना बोरिंग सफ़र करने को मिल रहा था, और जैसे ही अब पहाड़ नज़र आना शुरू हुआ है ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। हाय हाय हाय, ये आई हैं वो कर्व्स जिनको मैं मिस कर रहा था। ओह माय गॉश, लुक एट दिस यार, लगता है कल ही कारपेट डाला इन्होंने। ओह हो, ज़बरदस्त। ये भी एक पोर्शन है जी पत्थरों वाला, जहाँ पे कारपेट अभी नहीं डाला, और ये तो मुझे काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है, दूर दूर तक यही नज़र आ रहा है। देखते हैं कितना लंबा जाता है। और ये पोर्शन आया कब है? ये तब आया है जब हमारे ऑलमोस्ट कोई 30 किलोमीटर्स रहते हैं गोरख हिल आने में। ये आ गई है फुल मिट्टी वाली रोड, एक्चुअल रोड तो हो गई है ख़त्म। ओहो, मिट्टी भी है और चढ़ाई भी है। यार ये तो देवसाई याद आ गया भाई। वो सामने आ रही है रोड जो ऊपर जा रही है, और कुछ हट या होटल टाइप का कुछ बना हुआ है। आई होप ये रोड वहीं पे जा रही है। यार मुझे तो कसम से यकीन नहीं आ रहा, ये इस वक्त मैं उसी सिंध के अंदर हूँ जहाँ मैं अभी पिछले 5-6 दिनों से मिट्टी खा रहा था, और बिल्कुल प्लेन रोड मिट्टी वाले और धूप और गर्मी, जबकि साथ ही अब ये पहाड़ नज़र आने लगे हैं। एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में आ गए हैं। नहीं यार कराची वालों, आप क्यों नहीं आते यार यहाँ पर? ऊपर से रोड जो बना दी है ना, जितनी भी बन गई है, जितनी रह गई है, ऑब्वियसली भी 100% कम्प्लीट नहीं हुई, लेकिन जो बन गई है वो बहुत ही कमाल बन गई है। और मज़े की बात ये है, यहाँ पे कौन सा वो कोई लैंडस्लाइडिंग वाला इशू है जो कि ये रोड जो है ना बड़ी ख़राब हो जाएगी। ये देखें नाज़रीन, ऐसे कर रहे हैं हमारे मेहनत कश आवाम काम करते हुए। कारपेट डाल रहा है,
कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, पूरा ऊपर तक? आगे सही है रोड सारा? वो जो चढ़ाइयाँ आती हैं ऊपर वो भी ठीक है? वो है सामने चढ़ाई? ओ वो ऊपर जाना है? ओ हो हो, अच्छा सही है सारी रोड आगे? तुम्हारी गाड़ी नीचे बहुत आ रहा है। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो जनाब ये है सामने पहाड़ गोरखिल का, जो हमने अब ये पूरा ऐसे चढ़ना है, ये है बस चढ़ाई, बाकी पीछे ऑलमोस्ट पूरा प्लेन ही था। वाओ यार, ओ हो हो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ ओ ये चेक करें सीन, ज़बरदस्त क्या पहाड़ों की फॉर्मेशन है। अच्छा सारे जो है ना ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे किसी ने स्लाइसेस इसके ऐसे ऐसे काटे हों, वहाँ से लेकर वो सारे पहाड़ सबको ऐसे ऐसे स्लाइस से काटा हुआ है और सब टेढ़े हैं। और मज़े की बात है गोरखिल भी ऐसा ही है, ये मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। एंड फाइनली अब चढ़ाई होने लगी है स्टार्ट, और किलोमीटर्स अगर मैं देखूँ तो रह गए हैं 5, यानी ये 5 किलोमीटर की ओवरऑल चढ़ाई है जो हमने ऊपर चढ़नी है। ठीक है जी, तो चलें फिर जनाब ऊपर, आपको लेकर चलते हैं हम इधर से। आ जाइए, ज़रा स्लो स्लो जाएंगे हम। इस टाइम क्या नज़ारा नज़र आ रहा है मुझे, अपनी राइट साइड पे पूरी बल खाती रोड जिससे मैं होता हुआ इस वक्त ऊपर आ रहा हूँ, कर्व्स पे कर्व्स लेता हुआ, ओ हो हो हो, उसका पूरा व्यू मुझे नज़र आ रहा है। आपको मैं नहीं दिखा सकता इस वक्त बिकॉज मैं साथ साथ जो है वो बाइक भी चला रहा हूँ। ओ हो हो, जी अब मैंने रोकी है बाइक, वो चेक करें यार उन सड़कों से होता हुआ मैं आ रहा हूँ, कमाल। किसने वैसे ये जगह सोची होगी यार, दूर से लगता है सहराई पहाड़ है और वो टॉप पे जाके। अभी मज़ीद जनाब हमने ऊपर जाना है, स्टीप तरीन चढ़ाई, ओ हो 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 हो, इस पे जान लगानी है जनाब हमने अब। ये काफ़ी स्टीप है और इस पे ज़रा ध्यान से जाते हैं, इसमें वो आराम से चढ़ गई है। मैंने कहा जान लगेगी, आराम से चढ़ गई, सही सही। ये व्यू पॉइंट है जनाब, इन्होंने स्पेशल बनाया है बेंच वेंच लगा कर। अरे वाह अरे वाह, चलें फिर आ जाएं यार, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा और हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। लें जी उस पत्थर पे जाने की कोशिश करते हैं, अगर हमें रास्ता मिल जाता है तो पिक्चर मुझे लगता है कि अच्छी आएगी। इस पत्थर पे अगर मैं पहुंच जाता हूँ, आई डोंट नो रास्ता इधर होगा या नहीं होगा। ये है अल मशहूर कटा हुआ पहाड़, इस कटे हुए पहाड़ में से नाजरीन हम गए हैं गुजर। और जैसे अब गोरखिल का टॉप जो है करीब आ रहा है, अब साइडें जो है वो ज़्यादा ग्रीन हो गई हैं, दोनों तरफ आप चेक करें ग्रीन बुशेस। मजे की चीज़ ये है कि ये जो पौधे हैं ये बड़े लश ग्रीन किस्म के हैं,
नॉर्मली आप मरी के पहाड़ों में जाएंगे तो वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं दरख्त ज़्यादातर वहाँ पर, लेकिन ये जो पौधे यहाँ पे अभी मुझे नज़र आ रहे हैं ये बड़े लश हैं। सच बताऊँ तो यार ये ट्रैवलिंग का ज़्यादा मज़ा ना बाइक पे आने लग गया है। यही ट्रैवल मैंने पहले जीप के ऊपर किया हुआ है लेकिन उसमें वो फील आती नहीं है, ऑब्वियसली बंदा एक और तरह से एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि मैं सारे टाइप के ट्रैवल को कंपेयर कर सकता हूँ, जो बाइक का ट्रैवल है ना इसका कोई मुकाबला ही नहीं है यार। एक एक रोड पे जो फील है ना वो कमाल ही आ रही है, स्पेशली जो आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप जैसे एंटर होते हैं ना एकदम गर्म एकदम ठंड, वो आपको बाइक पे फील होती है, गाड़ी में नहीं फील होती। तो ये ब्राउन पोल्स नज़र आने लग गए हैं, इसका मतलब है कि गोरख हिल अब बिल्कुल सामने आने वाला है। वो अब ये जो पोल्स हैं ये सारे एंड तक जाते हैं गोरख हिल तक, जब एक किलोमीटर आखिरी रह जाता है तब ये पूरे के पूरे पोल जो हैं आपको रोशनी में लेके जाते हैं, रात में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं जब ये लाइट जल रही होती हैं। और नाजरीन फाइनली हम पहुंच गए हैं गोरख हिल स्टेशन और गोरख हिल रिजॉर्ट पे। चला जी घोड़ा खेल में पहुँच गए और आते ही जो है वो हमारे भाई ने खातिर तोज़ा किया बहुत और बिरयानी शरानी जो है वो सर्व किया, तो खाना शाना खाते हैं उसके बाद रूम में हम चेक इन करेंगे थोड़ी देर बाद। बैटरियाँ शटरियाँ मैंने जो है वो करनी है अभी चार्ज। सख्त ठंडी हवा चल रही है इस वक्त और यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं नीचे इतनी गर्मी से आया हूँ और ऊपर जो है ना आपको ये वाला वेदर मिला। चलें जी जनाब हम आपको दिखा दें ज़रा यहाँ से टॉप व्यू, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं यार कमाल। वो सारा उधर भी टेंट्स लगे हैं अगर आप देखें तो, वहाँ पे सारा रेस्टोरेंट है, इधर सारी जीप्स पार्किंग पे लगती हैं, वो सामने इन्होंने अब रिजॉर्ट बनाया है, फैमिली रिजॉर्ट है। तकरीबन 15,000 से 18,000 का ये पूरा बुक हो जाता है जिसमें डाइनिंग लाउंज किचन और 3 कमरे हैं, यानी 20-22 लोग, और एक वो है टॉप व्यू पॉइंट। और बाकी जिन कमरों में मैं रह रहा हूँ ये इसका भी रेंट तकरीबन जो है वो 2,000 तक है। अब चलते हैं हम ऊपर, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, मेरे पास जो कुछ था मैंने पहन लिया है लेकिन सर्दी की शिद्दत जो है ना वो अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रही। ओहो पॉइंट तो बहुत ऊपर है बहुत ज़्यादा। चलें जी नाजरीन हम आ गए हैं इधर गोरख हिल के ऊपर और हमारे साथ हैं इस वक्त जाहिद भाई, ठीक है जी। जाहिद भाई जो है यहाँ के ऑनर है और मेरे साथ चल रहे हैं जनाब गोरख हिल के जो आखिरी ये जो व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम वॉक करें, इसको बेनज़ीर व्यू पॉइंट कहते हैं, जीरो पॉइंट और बेनज़ीर व्यू पॉइंट। ये जगह मैंने आप सच पूछें तो मैं 2017 से और अब जब आया हूँ 4 साल में इतने कमाल की ये डेवलप हो गई है। और ग्रीनरी जो मैं आपको पूरे रास्ते में बता रहा था ना, ये जाहिद भाई ने बताया कि जनाब इस साल जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही है। ग्रीनरी नीचे भी जो पहाड़ है पहले मुझे याद है ये बिल्कुल सूखे हुआ करते थे लेकिन अब ये बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ है और ये यही वाली झाड़ियाँ हैं।
और लश ग्रीन जा रही हैं बिल्कुल। थरारा। हाँ, क्या इस पौधे को क्या कहते हैं? थरारा। थरारा थरारा है इसका नाम। इसका नाम है थरारा। और ये चेक करें यार, क्या जबरदस्त वॉक है। यार क्या मज़ेदार है। मैं लिटरली कहूँगा ग्लोरिया जीन्स सेकंड कप कॉफ़ी और कॉफ़ी प्लैनेट, ये अच्छी चेंज है हमारी कॉफ़ी की लाहौर कराची में। उनमें से एटलीस्ट एक यहाँ पे ज़रूर खुलनी चाहिए। इस जगह के ऊपर जो है ना वो हक अदा हो जाएगा अगर कोई कॉफ़ी का जो है ना कैफे यहाँ पे आ जाता है। बाकी जो है जो जुम्मन भाई और जाहिद भाई और बाकी जितने भी ये सारी फैमिली, इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना ये मैनेज किया हुआ है, ज़बरदस्त है। सही मायने में जिसको हिल स्टेशन रिजॉर्ट कहते हैं ना, दिस इज़ दैट प्लेस। कब सुधरेंगे। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ड्रोन में भी आपको नज़र आया होगा, कुछ स्केयर्स बने हुए थे। ये जाहिद भाई ने बताया कि पहले प्लान था कि इसको इधर ज़ू बनाएंगे, डिफरेंट हिरन वगैरह और इस तरह के जानवर लेके आएंगे, लेकिन बिकॉज टेम्परेचर इधर बहुत लो हो जाता है और इनके लिए जो है वो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो अब जाहिद भाई ने बताया कि इधर ये इसको फोटो गैलरी में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ की पिक्चर्स, पाकिस्तान की पिक्चर्स वगैरह बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की यहाँ पे आएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह का भी इनका प्लान है। तो कसम से यार ये ऐसी जगह है कि दिल करता है बंदा ये देखें ज़रा आप इस पत्थर पे यहाँ बैठ जाए और सुकून करे बस यार। ओहो, नाज़रीन आपको सामने फ्लैट जगह अगर नज़र आ रही है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं ब्रोही कबीले के। अभी जाहिद भाई ने बताया इधर कोई पानी का थोड़ा सा कोई चश्मा वगैरह भी निकल रहा होता है और ये यहीं पे रहते हैं। और ऊपर देखें सारा बयाबान है, और कैसे रहते हैं यार लोग यहाँ पर। अच्छा, ये पहाड़ों के नाम आपने क्या बताए थे? ये तो बलूचिस्तान में आते हैं। हाँ, बलूचिस्तान के। शकलोई बताया था। वो शकलोई? शकलोई। 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 वो भी बलूचिस्तान का ही है। बस ये वाला पहाड़ बलूचिस्तान का है। ये पीछे बलूचिस्तान, हम ये बस इन बस बॉर्डर यही है। सनसेट देख लिया हमने, अब चलते हैं वापस ऊपर। और शाम को मेरे ख्याल है बॉनफायर का है प्लान। जी बिल्कुल प्लान। चलें जी बॉनफायर करेंगे। और हवा जो है ना बहुत ही मज़ेदार हो रही है, कॉफ़ी पीने का इस टाइम शदीद दिल कर रहा है। और जाहिद भाई ने पता नहीं कॉफ़ी रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, कॉफ़ी, ग्रीन टी, चाय, कहवा। चलें भी कॉफ़ी पियेंगे हम। गोरख की कॉफ़ी। गोरख की कॉफ़ी। गोरख धंधा। ठंडी यख हवा में उस वक्त कॉफी पीने का जो मजा आया वो अनबयानेबल था। चलते हैं वापस। सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट हमने देख लिया है और अब हम जाने लगे हैं जनाब नीचे। ओके जी नाज़रीन, कैमरे शेमरे चार्ज कर लिए हैं, डाटा शाटा मैंने डाउनलोड कर लिया है लैपटॉप में, बोन फायर मेरे ख्याल है रेडी हो रहा है, तो क्यों ना चले हम खाना खाने। दो तीन ग्रुप्स आए हुए हैं कराची से और इनके पास बहुत बड़ी टेंटिंग की भी फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा टेंट्स हैं लगे हुए इनके। और इसके अलावा जो इनकी वो रूम्स हैं और फिर खाने पीने का सामान, मतलब बड़ा ही वाफर मकदार में एट अ टाइम ये 1000 बंदे को बड़ा ईजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उड़ जब जब सुल्फे तेरी, उड़ जब जब सुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ हो हो, दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी,
दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने कैसी रातें वो बरसातें।